हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड एडियो सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, गोदी का अस्तित्व कहाँ था? ए मोहनजोदड़ो, बी आलमगीर, सी हड़प्पा, डी लोथल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लोथल। गोदी का अस्तित्व लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गाँव सरागवाला के निकट स्थित है। पुरातत्वविदों के अनुसार लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदी था और इसने शहर को एक पुराने व्यापार मार्ग से जोड़ा जो हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र के प्रायद्वीपों को जोड़ने वाली साबरमती नदी से होकर गुजरता था। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और आज के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित था। लगभग 4500 वर्ष पहले मौजूद बंदरगाह शहर लोथल के अवशेष 1954 में खोजे गए थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक खुदाई की गई थी। उत्खनन में एक टीला, एक बस्ती, एक बाजार और साथ ही डॉक जिसे गोदी जलयानों के ठहरने का स्थान की खोज हुई, जिसे लोथल में बंदरगाह के अस्तित्व को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर टू, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए स्थानीय स्वशासन राज्यपाल के लिए आरक्षित विषयों में से एक था। टू, इसमें प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापित की। थ्री, इसके परिणाम स्वरूप सरकारी व्यवस्था में पूर्ण वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए केवल तीन, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल दो, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी केवल दो। इस प्रणाली के तहत वित्त और कानून व्यवस्था जैसे कुछ विषयों को आरक्षित विषय कहा गया जाता था जो राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में रहते थे। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे स्थानांतरित विषय विधायिकाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, अतः कथन एक सही नहीं है। इसने प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन की शुरुआत की और उन्हें अधिक अधिकार दिए गए, अतः कथन दो सही है। राज्यपाल ने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा इसलिए कोई वित्तीय विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, अतः कथन तीन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1928 में प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी विपिन चंद्रपाल, डी सुभाष चंद्र बोस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। छात्रों को संगठित करने की यह पहल 3 फरवरी 1928 के अखिल बंगाल छात्र हड़ताल से पैदा हुई थी जो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन पर केंद्रित थी। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने धरना देते समय कुछ छात्र नेताओं पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। 17 फरवरी 1928 को उन संघर्षरत छात्रों के कारण कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में एक बैठक बुलाई गई, जहां 6 मार्च को एक और बैठक बुलाई गई। वहां एक आयोजन समिति का गठन किया गया। सितंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 4 दिवसीय सम्मेलन के अंत में ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर फोर, नोबल शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला? ए एलिस बियालियास्की, बी मेमोरियल, सी सिविल लिबर्टीज, डी ए और सी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नोबल शांति पुरस्कार 2022 बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियास्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। पुरस्कार विजेताओं के बेलारूस, यूक्रेन और रूस से होने के कारण रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष के बारे में एक निहित संदेश भेजा गया है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में फ्रांस के फ्रेडरिक पेशी
और स्विस जीन हेनरी डुनेट को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित हुआ ए 15 जुलाई 2013, बी 13 सितंबर 2013, सी 10 सितंबर 2013, डी 5 जुलाई 2013, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चों के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। 14 वर्ष की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।